नवरात्र के बाद आज नाग की विदाई हो रहा है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम जो महिलाएं हैं अब वो माँ को विदा कर रही हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं। देखिए परंपरा भी है मैडम, ये परंपरा है सिंदूर लगाने का, माँ को भी सिंदूर अपने लगाया, एक दूसरे को सिंदूर भी लगा रहे हैं, क्या परंपरा है ये? देखिए ये जैसे कि बोला गया कि माँ हमारी माँ भी है बेटी भी है, तो बेटी की विदाई के टाइम हम लोग सिंदूर पहना के भेजते हैं, तो वही सिंदूर हम लोग खेले के टाइम, क्योंकि माँ जा रही है, एक उत्सव के तरह ये सिंदूर खेला भी हम लोग मनाते हैं, खुशी मना रहे हैं। एक खुशी की बात है कि एक तरफ हम लोग को दुख भी है, बट जैसे अगर हम अपनी माँ के घर जाते हैं तो जब जाते हैं तो दुख भी रहता है, बट खुश भी रहती है कि अपने ससुराल जा रही है, खुश रहे, सदा सुहागन रहे। सिंदूर का महत्व वही है, इसीलिए सिंदूर पहना के खुशी से अच्छे से खेल के मिठाई खिला के हम लोग को विदा किया जाता है। खोइचा भी देने की परंपरा है, जो बेटी है खोइचा देते हैं, हाँ देते हैं, दिया जाएगा वो भी दिया जाता है जब विदाई होता है, जैसे शादी होता है हम लोग का, जैसे हम लोग वैसे माँ दुर्गा भी जब जाती है तो वो भी हम लोग करते हैं। दुखी भी है कि माँ जब बहुत दुखी है, बट खुश भी है कि दोबारा ये मौका मिलेगा, दोबारा माँ का आश्चर्य बच्चों आभार होवे। सो उसके साथ बिल्कुल देखिए आज विदाई का बेला है और मन दुखी भी है, क्योंकि 9 दिनों तक ये महा जो है नवरात्रि की पूजा हुई और आज माँ के विदाई का बेला है, इसलिए तमाम जो महिलाएं हैं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर जो है बधाई भी दे रही हैं और माँ को भारी मन से विदा भी कर रही हैं। कैमरामैन लाला के साथ उन्नीस कुमार, कशिश पटना।